सॉरी मौसी, भाभी जी ने कमरे के अंदर बुलाया और मैं मना नहीं कर सका। काजल, नहीं माँ, नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। इसने एक दिन पहले भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मैंने इसे जाना मारा था। ये उसी छोटे का बदला ले रहा है माँ, मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज प्लीज माँ, आप मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बताएगी तो तब ना, जब कुछ हुआ होगा। मुझे तो पहले से ही शक था। नहीं नहीं माँ, मेरी चुप रहो। यही नतीजा होता है छोटे लोगों के साथ रिश्ता करने का। सुधीर भाई, आप भी क्या? मैं हवस की आग बुझाने के आगे तुम्हें इस घर के मान मर्यादा किस चीज का ख्याल नहीं है? नहीं माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी है घर में गंदगी फैलाने की? सुधीर भाई, दूसरों से मोरालिटी की बातें करती है, अपनी गिर बात में झांक क्यों नहीं देखती? नहीं माँ, सुधीर मेरी बात। चल चल बात, उसको क्यों डांट रहे हो? मैं, तू चुप कर, तुझे पता इसने क्या किया है? मैं काजल ने कुछ नहीं किया। मैं वहाँ पे था ना, मैं प्राज के साथ आज पंच कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं था। प्लीज मैं आया हूँ वहाँ पे, इसने ना उसका छत उतारा, उसका उसका सिंदूर पूछ दिया मम्मी, उसके बाद ना मैं काजल को टच किया इसने, मैं वहाँ पे था ना, मैं काजल ने उसके साथ पूरे गाली मारे मम्मी। ये आप लोग इसकी बातों में विश्वास करेंगे? इसकी बातों में, एक पागल की बातों में? और पागल नहीं है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत मारा उसको, फिर दादी ने घर से निकाल दिया। दूजे का दुख
सहने की जो कहना पाए कहने की ये एक कोशिश हाँ एक कोशिश तो तोहफा मिल गया मुझे आपने मुझे बुआ बना दिया अब इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है मेरे लिए भैया मैं खिलाऊंगी आपको अरे तू नूडल्स नहीं सब खा जा रहा है नहीं आपको नहीं दूंगी आप छोड़िए अब आप बताइए आप मुझे क्या देंगे तुम बताओ क्या चाहिए तुझे सोच लीजिए सोच लिया अच्छा तो फिर इन दोनों भाभियों जैसी एक और भाभी ले आइए इस घर में फटाफट शादी कर लीजिए है ना भाभी बर्फी खिलाओ काका ना एक्सक्यूज मी ये वाली मेरे को आंखें बंद करो फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा नीरज भैया ये तो आपकी बीवी है राखी तो बहने बांधती है ना ऐसा है हाँ अच्छी है तुम्हें तो राखी बांधो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लाइक सिस्टर वो भी अच्छे है घर पे आइए 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 बेटी बेटी हेलो माता रानी का प्रसाद बेटी इशू मेरा एल्फेंट जरा तो बीबी नीरज आप काजल को ले आए हो काजल जानती हाथ लगा वो मैं कमरे में भी नहीं जाता तब से उसके मम्मी ने मार दिया मैं हाथ से बात करता हूँ उसके साथ उसको स्टोरी सुनाई मैं तंग नहीं करता उसको मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता मैंने तो काजल बिटिया क्या हुआ कैसा हो गया बिटिया नीचे आपकी माँ और बीबी आई हैं उन्हें नीरज बाबा के बारे में सब कुछ पता चल गया है आंटी मैं तंग भी नहीं करता उसको अब तो उसके कमरे में भी नहीं गया मैं हाथ उसको स्टोरी सुनाई मैं शायद भी है कि यार कले कले भी नहीं था उसके कमरे मम्मी ने मना करके रखा था मैं शायद भी लेके गया खिलाने के लिए मम्मी को बोलो आपसे माफी मांगने के लिए दादी को भी ठीक हो जाए अच्छी चलो घर चलो किस मुंह से संबंध कर रही है धोखा दिया है आपने मुझे धोखा दिया है मेरे मेरे मुंह जैसे
बच्चे की जिंदगी इस बहरे में से मसल दी है आपने। ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। चल बेटे। माँ जी आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, आखिर काजल की जिंदगी का सवाल है। देख बेटी तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, ये मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी, कोई सौतेली नहीं। ये सीने पर बड़ा बोझ नहीं जिसे उठाकर फेंक दूं, इसे मैं अपनी उम्र भर संभाल सकती हूँ, इतनी हिम्मत है मुझ में, ताकत भी। चलो बेटे। जिसको छोड़ के जाती हो उसका भी सहारा कोई नहीं। काजल मत जा। चल काजल चल। नीरज भैया, नीरज भैया, नीरज भैया, नीरज भैया, नीरज भैया, हो माझी उसका तो किनारा कोई नहीं। एक आंधी है तुझ में अगर तूफान में है उस क्यों छुपाए रखी मुझसे ये बात? वो लोग तो पराए थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम तो मेरी सगी हो। तुम लोग तो अपनी मां को ही अपना नहीं समझते। अरे बोझ समझकर विदा नहीं किया था इस घर से तुझे? या तूने सोच लिया कि शादी के बाद मां ने तुझसे पीछा छुड़ा लिया है? मामा बस करो। तू चुप कर, तू भी तो बता सकती थी। ऊपर वाले ने मेरे साथ मजाक किया ही है। जिस बेटी के लिए खुशियां मांगने गई थी वो बेटी यहां क्या क्या झेल रही थी। और अफसोस इस बात का है तुम दोनों बहनों ने मिलकर मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी। कैसे बताते मामा, वहां हॉस्पिटल में जब तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था और तुम आईसीयू में रिकवर कर रही थी, क्या तब बताते जब डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हें किसी भी तरह के एक्साइटमेंट या शॉक नहीं होना चाहिए, क्या तब बताते? उस समय नहीं, लेकिन बाद में बता सकती थी। क्या कुछ नहीं झेला है मैंने। तेरे डैडी के जाने के बाद तुम दोनों के लिए दुनिया से लड़ती रही, अगर कमजोर होती तो कब की टूट गई होती। मेरी वजह से तुम दोनों को जो झेलना पड़ा है उस सब का हिसाब मैं दिनेश खन्ना से लूंगी। उन्होंने हमारे हालत का फायदा उठाया, इज्जत का मजाक उड़ाया है। मामा तुम कहां जा रही हो? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नीरज मुझे मालूम था तू यहीं बैठा होगा। तू इतना सीरियस क्यों है? क्या हुआ? ये मैं काजल की मम्मी को छोड़ दूंगा नहीं। मैं बोला मैं धक्का ही मारा फिर भी लेके उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती। तो तूने क्यों नहीं रोका? तो रोका मैंने, वो काजल तो जावे नहीं रही थी उनके साथ, हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले गई। गंदी सी होती ना वैसी बिल्कुल सी। अरे तू टेंशन क्यों लेता है, आ जाएगी वो। अरे देख मेरी मम्मी भी है ना कई बार घर छोड़ के चली जाती है और दो दिन बाद वापस आ जाती है। चल हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। चल मैं नहीं खेलूंगा क्रिकेट विकेट कुछ भी। क्यों मूड नहीं है? काजल आंटी की याद आ रही है। चल हम लोग एक काम करते हैं, काजल आंटी को फोन करते हैं। चल
घुरा दिया। चल 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 ये मेरे पास तो नंबर नहीं है उसका। अरे बुद्धू, तो डायरेक्ट लोकेशन काम आएगी। हाँ चल। अच्छा नीरज, काजल आंटी का सरनेम क्या है? काजल आंटी। अरे उनकी शादी करने से पहले उनका क्या नाम था? बोलो नीरज। सोचने दे। काजल शर्मा। चल। काजल। काजल। जी मामा। बेटे आ जा, बैठ जा। ये ले। ये क्या है? खुद ही पढ़ ले। मामा, डिवोर्स पेपर्स? जहां निशान लगे हैं वहां साइन कर दे, वकील को भिजवा दूंगी। मामा, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत? तू जानना चाहती है जरूरत क्या है? मेरा मतलब है कि डिवोर्स कोर्ट वो लोग कुछ मना नहीं करेंगे। मामा, ये बातें कोर्ट के बाहर भी तो सेटल हो सकती है ना। मुझे डिवोर्स कोर्ट में ही चाहिए। तुम्हारी आजादी के साथ साथ मुझे उन सबकी बेइज्जती चाहिए। मामा, बेइज्जती हमारी भी होगी ना, अगर कीचड़ उछलेगी तो छींटे हम पर भी आएंगे। प्लीज मामा, कुछ भी करने से पहले दोबारा सोच लीजिए। दीदी ठीक कह रही है मामा, इसमें हमें भी तो। जिसका दामन उन्होंने पहले से काला कर रखा है उसको मैं और कैसे बचाऊंगी? फिर भी मामा, ये अदालत के चक्कर ये सब। मामा प्लीज, जो बात आसानी से सुलझाई जा सकती है उसे। मामा प्लीज, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तू बस साइन कर दे, बाकी की चिंता मत कर। इतनी बेबस नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकती। तू बस साइन कर दे मामा प्लीज। तू अगर साइन नहीं करेगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी।